My dear student and learner, welcome to Color Pharma. Today we are going to discuss about the Goa Public Service Commission has taken an exam for associate professor, special branch in pharmaceutics. So I try here to solve this question paper. हम उसको आगे चले उसके पहले जो मेरे नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। तो जब भी मैं ऐसा कोई नया फार्मेसी के रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके तक जल्द से जल्द पहुंच पाएगा। देखते हैं क्या है इस पेपर में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंस ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन। सो पी ग्लाइकोप्रोटीन इज वन ऑफ द प्रोटीन एंड पोलर एट हाई लेवल ऑन अ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मेम्ब्रेन इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग reduce systemic circulation of the drug, increase systemic circulation of the drug, decrease efflux of the drug into the GI tract. So, यहाँ पे क्या होगा कि P-glycoprotein एक हमारा polar molecule है. Polar molecule हमारे absorbs होने नहीं देगा, इसलिए reduce systemic circulation. Next question is, one of the popular example of RSM design. ये QBD की मेथड है, रिस्पॉन्स सरफेस मेथड, प्लैकेट बर्मन डिजाइन, फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन, फुल फैक्टोरियल डिजाइन और बॉक्स बैंकिंग डिजाइन। सो बॉक्स बैंकिंग डिजाइन ये दोनों में चलो देख लेते हैं, दोनों में बी बी आता है ना, वो बॉक्स बैंकिंग डिजाइन बोलता है, वो सरफेस प्लॉट के डिपेंडेड होता है। सो ये आंसर इसमें बॉक्स बैंकिंग होगा। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हैच-वेक्समैन एक्ट, ये हैच-वेक्समैन एक्ट हमारे यहाँ पे अप्लाई हुआ वो क्या दिखाता है, तो डुप्लीकेशंस ऑफ प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल स्टडी आर एलिमिनेटेड। मींस कि हमें पैरासिटामोल है तो पैरासिटामोल का फिर से कोई हमें फिर से प्री क्लिनिकल स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। 180 डे एक्सक्लूसिविटी फॉर टू फर्स्ट जेनरिक प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस। जब हमारी ड्रग नई आती है तो उसमें आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है आपके पेटेंट के बाद। 3 years free from generic competition for the supplemental NDA for new labeling and use. अगर आप उसमें new labeling और use कर देते हो ना तो आपको 3 years सुधी 3 year तक वो free from generic हो जाएगा। तो ये हैचमैन में सब बताया था, 6 month की भी बात की थी, 3 years की भी बात की थी और preclinical data हमें repeat नहीं करना है। ब्लैंक लिस्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एनी बायोसिमिलर एंड इंटरचेंजेबल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइसेंस बाय। तो ये पर्पल कलर और ऑरेंज कलर ये दोनों बुक्स हमारे बहुत ही फेमस है, तो इसमें हमारा बायोलॉजिकल की बात की हुई है और इसमें ऑरेंज बुक में हमें जो ड्रग अप्रूव्ड की हुई है और प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर वो दी जाती है वो ड्रग सब FDA ने उसको ऑरेंज बुक में रखा है और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और बायोसिमिलर प्रोडक्ट को उन्होंने पर्पल बुक्स में रखा है। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑन द क्लिनिकल ट्रायल फॉर इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स आर स्टेट इन द शेड्यूल। ये क्लिनिकल ट्रायल के रिलेटेड शेड्यूल है, देख लीजिए ये हमारा किसका रिलेटेड है, क्लिनिकल ट्रायल। तो ये जो है W वो जेनरिक के रिलेटेड है, वो अभी ऑमिटेड किया हुआ है। D इंपोर्ट करने के लिए है, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, तो ये Y हमारा क्लिनिकल के लिए। ठीक, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोर्स एंड कोलोइडल डिस्पर्शन सिस्टम इज नोन एज व्हाट, टेंडल इफेक्ट, DLVO थ्योरी, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन सीधा चला जाता है, रिफ्लेक्शन बैक होता है, स्कैटरिंग इसमें से ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये टेंडल इफेक्ट बोलते हैं, वो मिल्क में भी दिखती है। केमिकली ट्वीन्स आर नोन एज व्हाट, सॉर्बिटल एस्टर ऑफ फैटी एसिड, पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटल एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स, अल्कोहल पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एस्टर, फैटी एसिड पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एस्टर। देखो ऐसा ट्वीन एंड स्पैन आता है, शायद ये स्पैन हमारा ये हो सकता है, तो ये हमारा ट्वीन होगा, देखते हैं क्या है इसमें आंसर। So polyoxyethylene sorbitan ester of fatty acid, it is a twin. Next is, one of the following is not a non-ionic stabilizer. देखो ये हमारा non-ionic है, तो हाँ ये है, ये polysorbitan है तो ये है, polyoxyethylene ether है तो ये है। देखो ये sulfonates है,
तो ये आयोनिक हो जाएगा कि सल्फोनेट इटसेल्फ शोज दैट कि SO3 समथिंग, तो उसमें से हमें अल्कल बेंजीन सल्फोनेट निकल के आएगा। देखते हैं नेक्स्ट, इन अ लेवल 2 सुपैक चेंज, इन लेवल 2 सुपैक चेंज द टोटल एडिटिव्स इफेक्ट ऑफ ऑल एक्सिपिएंट चेंज शुड नॉट बी मोर देन, आप कितने भी एक्सिपिएंट चेंज कर दो पर वो एक्सिपिएंट का चेंज 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10% इज एज अलाउड एज पर सुपैक गाइडलाइन। उसको हम इस तरह से भी याद रखेंगे, देख लीजिए ये हमारा 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, 5 × 2 कर दीजिए तो थोड़ा बहुत 10 हो जाएगा, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। विच सॉल्वेंट इज द मोस्ट यूजफुल फॉर ब्रोमो एसिड डाई इन अ लिपस्टिक, तो आलमंड ऑयल, कैस्टर, वाटर और लिक्विड पैराफिन। देख लीजिए पहले तो ये हमारा जो लिपस्टिक होती है वो पूरा दिन लगाने की होती है, इसलिए वाटर में तो वो वाटर रिमूव हो जाएगा, तो उसमें से ज्यादा फैटी एसिड जैसा थिक चाहिए, तो दैट इज अ कैस्टर ऑयल। एज पर द यूरोपियन यूनियन GMP क्लासिफिकेशन ग्रेड ए क्लीन रूम मस्ट मीट 3500 पार्टिकल ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर साइज पर मीटर क्यूब, ऐसा 1 मीटर का एक क्यूब्स होगा, उसमें 3500 के कितने पार्टिकल 0.5, 1500 के 0.5 माइक्रोमीटर वाले और 5 माइक्रोमीटर वाले 3500 पार्टिकल और 5 माइक्रोमीटर वाले 1500। देखो इसमें होगा तो क्लास ए में बात तो इसकी ही आएगी, वो तो बहुत ही फिक्स है, और उन लोगों ने कुछ 3500 की लिमिट रखी हुई है, तो हम उसको आंसर दे देंगे कि 3500 पार्टिकल ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर साइज पर मीटर क्यूब। बैसिलस सबटिलिस इज यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर ब्लैंक स्टरलाइजेशन मेथड्स, तो पहले हमारे पास मोइस्ट हीट है, देखो ड्राई हीट है, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन, देखो इसमें रेडिएशन में बैसिलस प्यूमिलस आता है, और आप इसमें रख दीजिए बैसिलस स्टीयरोथर्मोफिलस आता है, तो हम थोड़ा बहुत ऐसा याद रख लेते हैं कि जिसमें हमें स्टीम देनी है वो स्टीयरो है, वो क्या हो जाएगा स्टीयरोथर्मोफिलस स्टीम, और ये रेडिएशन मींस कि फोटोन जैसा हो जाएगा। तो अभी सबटिलिस किस में आएगा, सबटिलिस आ जाएगा हमारा ड्राई हीट में भी एंड इथिलीन ऑक्साइड वाले में भी, हमारा क्या आएगा इथिलीन ऑक्साइड वाले में भी हमारा यही आएगा, तो हमारा अभी आंसर है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट इज नियोजोम मेनली कंटेन फॉस्फोलिपिड, स्फिगोलिपिड्स, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट और अ प्रोटीन, तो नियोजोम का मतलब एंसिड स्टार्ट होता है नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। द प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द रेनल ट्यूब्यूल्स डज नॉट डिपेंड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, देखो ये हमारा पूरा नेफ्रॉन जैसा होके ये सब बताता है कि रेनल ट्यूब्यूल से क्या नहीं होता, तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यहां से आएगा, यूरिन का फ्लो रेट ये यहां से निकल के आएगा, यूरिन की पीएच, लिपोफिलिसिटी ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग, ड्रग का रीअब्सॉर्प्शन होना है भाई, तो ये आप यहां से कितने टाइम में यूरिन निकल जाता है उसके ऊपर पे डिपेंड करेगा पीएच के, पर ये कितने टाइम्स पे कितने रेट से फिल्टर होगा उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। सिलेक्शन ऑफ द डायलिसिस मेम्ब्रेन फॉर डिफ्यूजन स्टडीज जनरली डिपेंड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, मोलिकुलर वेट, लिपिड सॉल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज और पार्टीशन कोएफिशिएंट, तो उसमें हम बता देंगे कि जो डायलिसिस होने वाला है उसमें से यूरिन में से निकल के आने वाला है वो मोलिकुलर वेट पे ही ज्यादातर डिपेंडेंट होगा। Following test need not be performed for the chewable tablet. Chewable uniformity of the weight test, hardness test, fiability test or disintegration test. ये chewable tablet हमारी body में जाने वाली ही नहीं है, तो disintegration test करना ही क्यों है? फिर देखते हैं which reaction is observed in the degradation of ampicillin. देखो ampicillin का थोड़ा बहुत आपको structure आता होगा, तो अब मैं बता दूँ आपको ये ये, ये ये कुछ ऐसे करके आप देख लीजिए, ऐसा कुछ एम्पिसिलिन का कोई एक स्ट्रक्चर आता है और यहाँ पे जो होता है ना वो एस्टर होता है, तो मैं बता दूं इसमें एस्टर हाइड्रोलिसिस से ही निकल के आ जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल कंटेन द क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स इन कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। देखो टोटल सीटीडी के अकॉर्डिंग 5 मॉड्यूल्स है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 हम डाउन से चालू करेंगे। ये क्लिनिकल, क्लिनिकल के पहले में क्या करता करना होता है, नॉन क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल के पहले ये सब किसके हाथ में होता है, क्वालिटी वालों के हाथ में। तो ये क्वालिटी, और इसमें हम क्या देंगे, ये 3, 4 एंड 5 का जनरल समरी देंगे, और 1 में हमारी कंपनी की प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन होगी, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो फिर देखते हैं भाई। Which of the following is not a category of ICH guideline? देखो ICH में Q, S, E और M हुआ करते हैं। तो ये Q quality, M multidisciplinary, E efficacy, तो क्या नहीं है, clinical नहीं होगी। The notice of inspection of US FDA is given in the format of, तो मैं इसको बच्चों को ऐसा याद रखवाता हूँ कि 3 डिजिट है, 404 से शुरू होती है सीरीज, ये याद रखना। तो 482 है, इसमें वो लोग इसमें नोटिस देते हैं, तो आपको एक बार देखने लेना चाहिए। आपको चाहिए तो USFDA की वेबसाइट पे जाके वार्निंग लेटर देखना, इसमें फॉर्म दिया हुआ है। एज पर द ICS गाइडलाइन स्टेबिलिटी गाइडलाइन Q1AR2 The minimum time period covered by the data for the submission of accelerated stability. देखो accelerated stability study हमारी maximum 6 month तक ही हुआ करती है, तो ये हमें 6 month का data देना ही चाहिए। Which one of the following is a biocompatible and biodegradable polymer? देखो इसमें acrylic आ गया, तो वो synthetic है। इथाइल सेल्यूलोज आ गया, वो भी अभी इथाइल लगा दिया, synthetic हो गया। विनाइल भी synthetic है। इलेक्ट्राइड को ग्लाइकोलाइड्स, ये ग्लाइकोलिक एसिड्स और लैक्टिक एसिड्स का बना हुआ होता है, सो दैट इज एन वी कैन से इट इज अ बायोडिग्रेडेबल और बायोकंपैटिबल। इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन द कोलोइडल डिस्पर्शन फॉर, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्यों बनाते हैं भाई, तो वो प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है, क्योंकि डायलिसिस, देखो सिंपल डायलिसिस भी क्या होता है, जो पेशेंट्स को लगाते हैं वो भी यूरिन फिल्ट्रेशन का ही एक पार्ट है, तो ये प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। Which of the following is a flow through cell? अच्छा ये उसका एक मेरा बहुत ही बढ़िया वीडियो है, आप वो देख लेना, पर यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि apparatus number 4 है, वो flow through cell है। Which, when should revalidation be done? When there are a change in the process for the synthesis of the drug, synthesis करने की process change करते हैं, तो उस time, और When there are a change in the composition of the finished product, जो finished product होती है उसका composition means कि excipient. When there is a transfer of the method, method एक जगह से दूसरी जगह पर transfer होती है, उस time हमें क्या करना था? तो ये सभी cases है कि जहाँ पे revalidation करना ही करना होगा। During the tableting, bonding of the particle is governed by the mechanical theory, या दो solid particle एक दूसरे के साथ रहेंगे, intermolecular force is responsible, liquid surface film theory, थोड़ा बहुत liquid का coating भी होगा तो भी हो जाएगी, वो all आएगा, mechanical भी आएगा, liquid भी आएगा और intermolecular theory भी आएगा। Which of this method cannot be used for the determination of the crystalline structure? Leophotographic method, Gauss method, oscillating crystal method, powder method. आप देखोंगे तो X-ray Chatwal की बुक में ये सब दी हुई methods है। तो Gauss method is not a method for the crystal determinations. फिर देखते हैं कि Pareto charts is in a total quality management is to identify the principal cause of the problem, chart of cause and effect in the process. To provide a record of the quality used as a device in the statistic process control. तो ए पारेटो चार्ट क्या है कि भाई हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का एग्जैक्टली प्रिंसिपल मेन कॉज क्या है वो निकालने के लिए ये होता है। चलते हैं तो फिर the USFDA outlined the key areas of in, देखो ये 21 CFR करके है, तो ऐसा इसमें ये 21 जो चैप्टर है यूएस में, ये हमारा ड्रग के रिलेटेड है,
कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, यहाँ पे जो चेंज होता है इसमें से 20.70 होगा, नहीं 820 होगा, तो वो हमारा आईक्यू है। एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर और स्पिन ओरिएंटेशन। देखो ये दो तो नहीं होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसीलिए मैं बताऊंगा क्योंकि जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट होते हैं वही पार्ट करते हैं। For UV spectroscopy, the following source of lamp is used: tungsten lamp, hydrogen lamp, Nernst Glower lamp, and incandescent lamp. देखो ये IR का lamp है भाई, और ये hydrogen नहीं होता, deuterium होता है। Nernst Glower भी हमारा ये कुछ IR का है, तो हमारा क्या बचा? Tungsten lamp. How many normal vibration modes are possible in case of linear molecule of ether? तो इसमें मैं बता दूं 3N-6 और 3N-5 ऐसे दो इक्वेशंस हुआ करते हैं। तो इथेन में आप देख लीजिए तो क्या हो जाएगा कि एक H H H H H एंड H कितने मॉलिक्यूल होंगे, एक एटम कितने हुए, 3, 3, 6, 7 और 8, 3, 3, 6, 7 और 8, 8, 3, 24 और 24 में से 5 निकाल देंगे। ये सिमेट्रिक का इक्वेशन है, सॉरी लीनियर का इक्वेशन है, ये नॉन लीनियर का है भाई। तो क्या आ जाएगा 19 देख लीजिए, फिंगरप्रिंट रीजन इन द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो रीजन है हमारा फिंगरप्रिंट हो जाएगा करीबन, ये इसमें से जो बताया हुआ है ये होगा, ये फंक्शनल ग्रुप रीजन, ये दोनों तो ऐसे कोई रीजन आते ही नहीं है। चलते हैं तो फिर आगे, How many fundamental vibration frequency would you expect to observe in the infrared absorption spectroscopy in the water? तो इसमें हमारा आ जाएगा 3N-6, ये non-linear हो के आएगा क्योंकि ये hydrogen वाला molecules है, वो band shift होता है, तो इसमें 1, 2 और 3 atom हो गए, 3, 3 is 9 minus 6, तो हम बता देंगे कि 9 minus 6 means कि 3 आके चलेगा। बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर यूज इन HPLC इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, यूवी डिटेक्टर, IR डिटेक्टर, फोटोट्यूब डिटेक्टर। तो इसमें से बल्क केमिकल पे डिपेंड नहीं करता, कितना बल्क है फिजिकल में, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर हो क्या आएगा। इफ इन अ सिचुएशन वन नॉन वेवलेंथ लैम्ब्डा एंड ऑर्डर एंड इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द स्पेसिंग बिटवीन द टू क्रिस्टल लैटिस फ्रॉम द ब्रैग्स इक्वेशन, व्हाट इज दैट ब्रैग इक्वेशन, इज एन लैम्ब्डा इज इक्वल टू 2d sin theta। आप इस सब में से देखोगे ना तो ये होके आएगा हमारा एन लैम्ब्डा 2d sin theta, व्हिच इज हैव द ग्रेटर लैम्ब्डा मैक्स, ये लैम्ब्डा मैक्स बताता है, ठीक है। लैम्ब्डा मैक्स जिस किस में ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा कंजुगेशन होगा, इसमें तो कंजुगेशन है ही नहीं, इसमें एक बेंजीन है, ये इसमें दो बेंजीन है और ये कंजुगेशंस भी ज्यादा है, तो उसका लैम्ब्डा मैक्स ज्यादा होगा। ऑटोक्लेविंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑयली इंजेक्शन, एक्वास इंजेक्शंस, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल और प्लास्टिक एंड रबर क्लोजर। देखो ऑटोक्लेविंग हमारा ऑयली इंजेक्शन के लिए नहीं यूज होगा क्योंकि ऑयल का ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। वाटर एटेक टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन, ये ग्लास के लिए दो टेस्ट आती है, वाटर एटेक टेस्ट और एक दूसरी भी एक हैम्पर टेस्ट आती है, तो इसमें से वाटर एटेक टेस्ट ग्लास 2 के लिए यूज हुआ करती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द रेट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम द माइक्रो रिजर्वायर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, द ड्रग रिलीज इज इंक्रीज इफ अ डिफ्यूजिविटी ऑफ द ड्रग इन द लिक्विड कंपार्टमेंट इंक्रीज, पॉलीमर कोटिंग मेम्ब्रेन इंक्रीज, इंक्रीज इन द डिफ्यूजिविटी ऑफ द ड्रग इन इल्यूशन सॉल्यूशंस और इंक्रीज इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग इज इंक्रीज इन द पॉलीमरिक मैट्रिक्स। तो ड्रग का कब ज्यादा होगा, तो इसमें भी होगा, ड्रग इन इफ डिफ्यूजिविटी ऑफ द ड्रग इन द पॉलीमर कोटिंग मेम्ब्रेन इज इंक्रीज, कोटिंग से ज्यादा हो जाएगी, कोटिंग में से निकल पाएगा, सॉल्यूशंस का इल्यूशन हो पाएगा, पॉलीमर से निकल आएगा, तो पर ये लिक्विड में से तो कुछ कंपार्टमेंट, लिक्विड कंपार्टमेंट तो आता ही नहीं है इसमें। इन अ पार्टीशन पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज सेल्युलोज पेपर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ सेल्युलोज पेपर, सिलिका जेल। देखो इसमें बहुत ही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, उसमें आपको लगेगा कि पेपर, पेपर नहीं है, दो सेल्युलोज के बीच में एम्बेडेड हुआ वाटर का मोलिक्यूल, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज के तौर पे काम करता है।
मोस्ट सुटेबल कैरियर गैस इन क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और आर्गन। देखो हाइड्रोजन बहुत ही ब्लास्ट हुआ जाता, नाइट्रोजन थोड़ा बहुत रिएक्टिव होता है, आर्गन थोड़ा बहुत हैवी होता है, तो हीलियम इसमें यूज होगा ज्यादातर। बोलोमीटर इज इंडिकेटर, सोर्स ऑफ आईआर रेडिएशन, सिलेक्टिव डिटेक्टर और नॉन सिलेक्टिव डिटेक्टर। देखो ये दोनों तो हो ही नहीं सकेंगे। ओके ये इंडिकेटर, इंडिकेटर नहीं डिटेक्टर है, ठीक है, तो वो नॉन सिलेक्टिव डिटेक्टर है क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर किसी का भी चेंज हो सकता है। द यूनिट विद इन द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर दैट इंश्योर दैट द फिनिश्ड डोजेस फॉर्म हैज मेट ऑल द स्पेसिफिकेशन फॉर द इंटेंडेड यूज दैट। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, इंडस्ट्री में कौन ऐसा डिसाइड करता है कि भाई ये पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन हमारा फॉर्मुलेशन ने मैच किया हुआ है? तो जो एनालिसिस करते हैं वही करते हैं क्वालिटी कंट्रोल वाले, तो क्वालिटी एश्योर वाले तो जस्ट चेक करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में मेक अ चेंज इन द फॉर्मुलेशन आफ्टर मार्केटेड अप्रूवल। इफ द चेंज इन द फॉर्मुलेशन इज कंसिडर्ड अ माइनर चेंज, द मैन्युफैक्चरर नीड्स टू रिपोर्ट द चेंज टू द एफडीए ओनली। एनुअल रिपोर्ट, प्री अप्रूवल स्टेटमेंट, आईएनडी सबमिशन, नो रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड। देखो चेंज किया है तो सबमिट तो करना ही है, नो रिपोर्ट की तो बात नहीं आएगी। ये हमारी नई ड्रग नहीं है, ऑलरेडी मार्केट में है, तो आईएनडी की बात नहीं आएगी। हमारा अप्रूवल तो हो ही जाने वाला है, प्री अप्रूवल की जरूरत नहीं, ये माइनर चेंज है, तो उसको आप कहां से दे देंगे? एनुअल रिपोर्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्ट्रिंजेंट यूज इन नॉन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ्थाल्मिक एजेंट दैट इज रिकमेंडेड बाय एफडीए। देखो ये ऑफ्थाल्मिक है, ये नहीं आएगा, ये प्रिजर्वेटिव है, प्रोविडन आयोडीन हमारी आंख में हम नहीं डालते, एसिड भी नहीं डालेंगे। जिंक सल्फेट, जिंक आर यूज्ड as astringent. Plaster of Paris is usually added to the adsorbent to make the TLC more sensitive. Hold the adsorbent firmly on the chromoplate. Ensure that the solvent front does not run off the chromoplate. Make it suitable for using the corrosive agent. देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब ही होता है CaSO4। ये इसका क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम हमारा जब बोन फ्रैक्चर होता है वहां क्यों लगाते हैं? तो उसको अच्छी तरह से होल्ड करने के लिए। तो बच्चों ये होल्ड को आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा अटेम्प्ट था, ऐसा आपको कुछ लगे तो आप जरूर उसको कमेंट में लिखिए, कुछ पेपर आपको चाहिए। यू कैन ऑल्सो सेंड मी ऑन माई ईमेल आईडी AIP, यहाँ पे मैं मेरा ईमेल आईडी लिख देता हूँ जिसमें आप ये शेयर कर पाते हो अगर आपको ऐसा कोई पेपर सॉल्यूशंस करवाना है, ठीक है। ये मेरा ईमेल आईडी है और वी कैन स्टॉप इट हियर।